आईपीएल हुआ पोस्टपोन, 29 मार्च की जगह अब शुरू होगा 15 अप्रैल से। तो दोस्तों आईपीएल 2020 जो 29 मार्च से शुरू होने वाला था वो 15 अप्रैल से शुरू होगा। कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल पोस्टपोन हो गया है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऐसी तीन बातें जो आईपीएल को इस साल कम इंटरेस्टिंग बनाएगी और उतना हम लोग को मजा नहीं आएगा इस वाले आईपीएल में। तो पहली बात तो ये है कि आईपीएल जो होगा वो अब बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने 6 चेंजेस आईपीएल 2020 वाले वीडियो में बताया था कि आईपीएल 29 मार्च से 24 मई तक होगा। अब क्या है कि 15 अप्रैल से शुरू होगा और 24 मई को ख़त्म करना है, तो अराउंड एक महीने के से थोड़ा सा ज़्यादा 7-8 दिन है, तो बहुत छोटा आईपीएल हो जाएगा। और डबल हेडर जो मैंने कहा था कि मीटिंग में कम कर दिए गए वो अब ज़्यादा हो जाएंगे, हफ्ते में 3-4 डबल हेडर्स होंगे क्योंकि टाइम कम हो गया है और मैचेस 60 के 60 मैचेस कराने ही कराने हैं। तो इस वजह से बहुत कम इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा कम आएगा क्योंकि जो प्लेयर्स होंगे वो थक जाएंगे। और अब क्या होता था पहले कि अगर किसी भी टीम का मैच है तो 2-3 दिन बाद वो पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि टाइम कम है हर ऑल्टरनेट डे पे हर टीम का मैच पढ़ना ही पढ़ना है डबल हेडर्स की वजह से, चाहे शाम में पढ़े या रात में पढ़े, पर पढ़ना ही पढ़ना है। एक दिन के गैप पे प्लेयर्स को उतना रेस्ट नहीं मिलेगा, इंजरी प्रोन हो जाएगा आईपीएल, बहुत इंजरीज होंगी क्योंकि बैक टू बैक मैचेस खेलने पड़ेंगे, ज़्यादा रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी बहुत बड़ी वजह आईपीएल के कम इंटरेस्टिंग होने की ये है कि 15 अप्रैल के बाद भी बहुत चांसेस है कि आईपीएल क्लोज डोर्स ही हो, मतलब दर्शक ना आ पाए। अगर कोरोना वायरस जैसे अभी फैल रहा है, डेथ्स हो रही हैं, अगर वैसे ही चलता रहा तो मैचेस में भी ऑडियंस अलाउड नहीं होगी और सिर्फ प्लेयर्स मैचेस खेलेंगे और भी कई लोग जो कि ग्राउंड में ज़रूरी होते हैं जैसे ग्राउंड्समैन और टीवी वाले लोग ही रहेंगे, बाकी ऑडियंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग को पता है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को उत्साहित करती है और उनकी वजह से बहुत मज़ा आता है, जो ग्राउंड में बैठी होती है शोर मचता है आईपीएल की, वही आईपीएल का वही मज़ा है, लेकिन वो भी हो सकता है इस बार हमको ना मिल पाए। इसी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने जो कहा है कि 15 अप्रैल तक कोई भी वीज़ा ना बाहर जाने का आएगा ना कोई आ सकता है, वो अगर बैन जो है वो एक्सटेंड हो गया तो विदेशी खिलाड़ी नहीं आ पाएंगे यहाँ मैच खेलने क्योंकि उनका वीज़ा किसी भी कैटेगरी जो अलाउड है उसमें नहीं आता। तो उससे क्या होगा कि जो आईपीएल है जो कि विदेशी खिलाड़ियों की वजह से बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होता है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि बाहर के प्लेयर्स डेविड वार्नर, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ जिनकी वजह से लंबे लंबे छक्के पड़ते और बहुत मज़ा आता है मैच देखने में, वो नहीं आ पाएंगे और शायद आईपीएल कैंसिल ही हो जाए कि जब बाहर के प्लेयर नहीं आएंगे तो आईपीएल करा के क्या फ़ायदा। दोस्तों अब आप मेरा फेसबुक का पेज लाइक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर मैं रेगुलरली फैक्ट्स डालता रहूँगा क्रिकेट के और भी कई न्यूज़ और अपडेट्स। नीचे कमेंट करिए आपको क्या लगता है कि क्या आईपीएल में क्लोज डोर्स मैच होंगे कि नहीं होंगे, या कोरोना इसको इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।